तीसरा पाठ अपनी वस्तु पढ़ेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि दो भाई धन और संपत्ति के लिए लड़ रहे थे और महात्मा जी के समझाने पर किस तरह उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर से दोनों किस तरह मिलजुल कर रहने लगे। ये इस कहानी में बताया गया है कि धन संपत्ति सब व्यर्थ की वस्तुएं हैं और सब यहीं पर छूट जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो आओ हम शुरू करते हैं कहानी को पढ़ना। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतनाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, क्योंकि दोनों खूब गुस्सा कर रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, यानी दोनों कह रहे थे नहीं मेरी है, नहीं ये जमीन मेरी है। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ में ही प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतः इन्हें समझा बुझा कर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा जी ने दोनों को समझाने का प्रयास किया। ये सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषो, भद्र यानी सज्जन, अच्छे पुरुष, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। इस प्रकार दोनों भाई महात्मा जी के समक्ष भी लड़ने लग गए। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, शांत भाव से बोले, महात्मा जी तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो, अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, तो इसका निर्णय भी कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी क्या तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर जाकर भोजन बनाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा, तत्पश्चात उन्होंने भोजन के तीन भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए, यानी खाना खाते खाते उन्होंने वो सारी बातें करी भूमि से संबंधित। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह ही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, यानी महात्मा जी चाहते थे कि इससे बातचीत करके दोनों के मन की बात बाहर आ जाए और उनका क्रोध कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही, वे दोनों भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछ कर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपने कान
भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों से दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हो गए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्होंने समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या लेकर गए? कुछ भी नहीं। ये जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अनमोल जीवन नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति मकान, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भक्ति भजन और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, से सब कुछ तो यही रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कामों में और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें इस धरती पर कुछ भी है, इस धरती पर जो कुछ भी है हमारा, वो वास्तव में हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं पर रह जाएगा। इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर प्रेम से और शांति से रहना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे काम में लगाना चाहिए। दोनों महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लग गए और उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करने लग गए। शाम को भक्ति भजन में लगते और अपना जन्म सफल करने में लग गए। इस अभ्यास कार्य देखिए, शब्द अर्थ उद्यत तैयार, किसी काम को करने के लिए तैयार रहना। स्वामित्व यानी अधिकार, अपना अधिकार जमाना किसी चीज पर। संपत्ति धन दौलत हड़पना, गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना। मूल्यवान कीमती संसार दुनिया और तनिक थोड़ा। उच्चारण के लिए शब्द देखिए, मेरे साथ उच्चारण कीजिए, तत्काल बिल्कुल उद्यत दलीलें तत्पश्चात बंटवारा। अच्छा बच्चों, आगे के प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे।